जी सर नमस्कार, मैं चंद्रजीत पटेल बोल रहा हूँ सर। चंद्रजीत पटेल नाम रहे नमस्ते। जी सर नमस्कार, कैसे हैं सर आप? बढ़िया सर, आप इंदुआ एकदम। सबसे पहले आप लोग को सैल्यूट है कि आप लोग इस समय डर के लगे हुए हैं अपने अपने काम पे। हम लोग अपने घरों में बैठे हुए हैं। आप लोग की कृपा है, आप लोग का सहयोग है कि हम लोग अपने घरों में बैठ करके इस महामारी से जो भी सहयोग बन रहा है इस महामारी में अपना सहयोग। सर आपका इसमें ड्यूटी कहाँ पे है? ड्यूटी में अभी दिल्ली में हूँ। दिल्ली में है सर, तो आप लोग किस प्रकार से अपने आप को सुरक्षित रख रहे हैं? आप सुरक्षित है कि सोशल डिस्टेंसिंग यानी सबको अपने दूरी बना रखना है, दूसरे को मतलब किसी सैनिटाइजेशन करना है, आपको खाना खाने के बाद खाना खाने के बाद। सर आप किस पद पे कार्यरत हैं एयरफोर्स में? अभी वही सेना में एयरलाइन के पास है। अच्छा सर, अच्छा ये बताइए इस समय तो सभी बच्चे अपने अपने घर में बैठे होंगे, बैठे हैं सभी लोग, कहीं जा नहीं रहे हैं, तो एयरफोर्स वगैरह की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए आप क्या करना चाहेंगे? एयरफोर्स तैयारी कर रहे हैं। हाँ, जो बच्चे एयरफोर्स की तैयारी कर रहे थे कोचिंग वगैरह में जाकर के, या तो जो भाई अभी क्या ना जो एग्जाम था मतलब 19 से 23 मार्च का एग्जाम पोस्टपोन हो गया। अच्छा, एयरफोर्स का 19 से 23 मार्च को एग्जाम था? हाँ, कोई पोस्टपोन हो गया है और जैसे मानी लॉकडाउन खुलेगा पूरा देखने का सब कुछ खुल जाएगा, तो जो भी एग्जाम से कनेक्ट होगा उसको पोस्टपोन हुआ है, लॉकडाउन समाप्त होने के बाद कनेक्ट होगा। हाँ, और इसी में है कि जो बच्चे ने 3 बच्चों ने फॉर्म भरा है हाँ तो पूरा अपना ऐसा लगा है कि खाली टाइम बैठे अपना। अच्छा, एयरफोर्स में किससे रिलेटेड ज़्यादा प्रश्न आता है, किस टॉपिक से किस सब्जेक्ट? आप ग्रुप एक्ट भरे ठीक है, टेक्निकल ग्रेड से, तो उसमें मैथ से आएगा 25 नंबर का और फिजिक्स आएगा 25 नंबर का, इंग्लिश 20 नंबर का रहेगा और माइनस मार्किंग है। अच्छा, माइनस मार्किंग तो। अच्छा, कितने कितने ग्रुप होते हैं एयरफोर्स में, कितने ग्रुप होते हैं, कितने ट्रेड से वैकेंसी निकलती है? क्या मतलब ये कह रहे हैं कि कितने ट्रेड का वैकेंसी निकलती है जो आमतौर पर इंटर के बाद भरा जा सकता है? एयरफोर्स में इस समय दिल्ली में डिग्री लगी हुई है, हम उनसे बात कर रहे थे अभी और एयरफोर्स के बारे में बता रहे थे, तो अभी देखिए दिनेश जी से संपर्क नहीं हो पा रहा है, लग रहा है नेटवर्क की वजह से लग डिस्टर्ब हो जा रही है। जी सर हेलो, हाँ सर बताइए कैसे हैं? बहुत बढ़िया, वही तो वही 25-25 नंबर पूछता है मैथ, ठीक है। हाँ, मैथ कितने नंबर का पूछता है? 25 नंबर का। और इंग्लिश? 25 नंबर का। सबसे इम्पोर्टेंट नहीं मैथ और फिजिक्स में 25-25 नंबर का है। हाँ, मैथ फिजिक्स 25 नंबर का और इंग्लिश 20 नंबर का है। इंग्लिश 20 नंबर का। अच्छा, इसमें इंटरव्यू वगैरह भी होता है? नहीं, इंटरव्यू वगैरह भी आज ग्रुप इसमें हो रहा है। अच्छा, इसमें ग्रुप डिस्कशन होता है पूरा है। अच्छा, जब आप हुए थे तो उसमें इंटरव्यू हुआ था? अच्छा, उसमें इंटरव्यू हुआ था, इस समय ग्रुप डिस्कशन हो रहा है। तो ग्रुप डिस्कशन मतलब किस तरह होता है, उसमें जैसे 4 लोग बैठ जाएंगे किसी टॉपिक पे बात करेंगे? वही सब ग्रुप जी। और उसमें क्या था कि एक मान के कोई पैराग्राफ लिख रहा पैराग्राफ लिख रहा लड़का और दोनों एक बोल रहा है ठीक है, और दूसरा करते हैं उसी बारे में डिस्कशन करना है, बोला कि क्या मतलब समझो पैराग्राफ में बता दो लैंग्वेज में। अच्छा, हिंदी वगैरह से भी प्रश्न आता है क्या उसमें? नहीं, हिंदी से रहेगा वो। हिंदी से नहीं, अच्छा करेंट अफेयर से, जीके से? हाँ, ये नाम के बारे में पूछता है ग्रुप वाइज में। अच्छा, ग्रुप वाइज में पूछता है। तो आप देखिए जो ग्रुप एक्ट हो गया मैथ 25 नंबर का, इंग्लिश 20 नंबर का, 21 नंबर का, टोटल प्रोग्राम कितना होता है? 70 नंबर का। 70। अच्छा, ये कह रहे हैं उसमें ग्रुप वगैरह भी होता है क्या, जैसे वाई ग्रुप का, एक्स ग्रुप का? देखिए अरे तो ग्रुप एक्ट 70 नंबर का ठीक है। अच्छा, और ग्रुप वाई का क्या नहीं है, उसमें क्या है 20 नंबर का इंग्लिश है और 30 नंबर का राघा है। 30 नंबर का राघा, आर ए जी, रीजनिंग एंड जनरल अवेयरनेस। अच्छा, रीजनिंग एंड जनरल अवेयरनेस। उसमें उसमें क्या रहता है मैथ का हाई स्कूल का होता है अलावानी वाला। हाँ, ये जी सर क्वेश्चन आएगा और टॉपिक वाला आएगा रीजनिंग का, रीजनिंग का। और मुश्किल से हाल जो है 4 से 5 नंबर का जो है जीके पर रहता है का बता देंगे। अच्छा, 4 से 5 ही नंबर का रहेगा। तो इंग्लिश मुख्य है, जैसे हमको मालूम चलता है कि अंग्रेजी आपकी स्ट्रांग होना चाहिए, इंग्लिश आपका स्ट्रांग होना चाहिए एयरफोर्स में जाने के लिए। नहीं, इंग्लिश में क्या है देखो मैथ और डिजिटल समाज में इंटर क्वेश्चन दे दिया आपको जी, 25 क्वेश्चन दिया और 20 बार डाल पाया ठीक है। हाँ, तो उसमें क्या है हमारी क्वेश्चन का डाल आया करने वाला है लिमिटेड टाइप का, तो आप 1 बार लगाने का है उसको। अच्छा, तो उसको टाइम अगर 25 नंबर का है तो उसका आगे पाएंगे 12-14-15 पाएंगे सर पाएंगे आप। अच्छा, और आगे तो नहीं कर पाएंगे, तो टाइम नहीं है। अच्छा, टाइम बहुत कम दिया जाता है, कितना टाइम मिलता है? 60 मिनट का क्वेश्चन है, 60 मिनट में 70 क्वेश्चन करना रहता है। हाँ, तो बहुत ही समय कम है। अच्छा,
हाँ जो आएगा तो किसी भी तरह का क्वेश्चन हो तो किया जा सकता है। नहीं बच्चे पूछते रहते हैं ना तो आपको मौका नहीं मिलता है, जब आते हैं तो तुरंत चले जाते हैं, आपको समय नहीं मिलता है कि स्कूल पे समय दें तो। हाँ बताइए। ठीक सर, 10+2। अगर आप ग्रुप होता है, ठीक, टेक्निकल ट्रेंड है। अच्छा टेक्निकल में क्या किया जाता है? और टेक्निकल क्या है? इलेक्ट्रॉनिक्स। अच्छा जो हार्डवेयर से संबंधित है? नहीं, इलेक्ट्रॉनिक्स जो हार्डवेयर से मेंटेन होता है। अच्छा वही 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 कर रहे हैं। हां वो हो गया। ठीक है, यस ग्रुप के अंतर्गत टेक्निकल ग्रुप होते हैं और ग्रुप एक्स ग्रुप होते हैं। ठीक है, ठीक है सर। और ग्रुप वाई जो नॉन टेक्निकल होता है। अच्छा नॉन टेक्निकल। और इसमें क्या होता है? ऑफिस में काम होता है। ठीक है, डिफेंस के क्षेत्र में भी इसमें लोग रहते हैं। डिफेंस डिफेंस जैसे एज ए सैनिक नहीं जाते हैं इसमें? हाँ सैनिक यही है। अच्छा वही कह रहे हैं डिफेंस के क्षेत्र में, प्रॉपर डिफेंस के क्षेत्र। हाँ सैनिक यही है, ग्रुप जो सैनिक है, जो ग्रुप ऑफ सैनिक है, ग्रुप वाई वाई कर रहा है, वही सैनिक है। अच्छा यही सैनिक है। हाँ उन्हीं पे अमेंड होते हैं। अच्छा उन्हीं पे अमेंड होते हैं। ठीक है सर। तो ग्रुप एक्स, अगर आप एक मिनट सर, जी सर जी एक मिनट, ग्रुप एक्स को एयरमैन बोलते हैं कि ग्रुप वाई को एयरमैन बोलते हैं? नहीं एयरमैन दोनों को बोलते हैं। अच्छा दोनों को बोलते हैं, दोनों ग्रुप एक्स और ग्रुप वाई दोनों को एयरमैन बोलते हैं। जी जी सर। अच्छा वाई सैनिक। ठीक है सर, और आगे बताइए सर। तो अगर दूसरा मान लीजिए अगर ग्रुप एक्स ज्वाइन करा जाएगा, टेक्निकल ग्रुप ज्वाइन करा जाएगा आप, जी, तो उसके लिए 10+2 फिजिक्स में होना जरूरी है। हाँ फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ इंटर के बाद फिजिक्स। हाँ उसमें क्या है? और 50% होना चाहिए मिनिमम। 50-50% 50% ठीक है सर। 50% अभी आपको ऑनलाइन किट हो रहा है उसका? ऑनलाइन यानी कंप्यूटर पे, मोबाइल से भी दे सकते हैं? नहीं नहीं ऑनलाइन कंप्यूटर लगा रहेगा आपको। अच्छा हाँ साइबर कैफे में जाना पड़ेगा, जहाँ सेंटर जाएगा। हाँ वो अपना सेंटर भेजेगा। ठीक है। हाँ हाँ एयरफोर्स अपना भेजती है सेंटर। तो अभी एक क्वेश्चन मेरा, क्वेश्चन मेरा हाई का अभी गर्मी में रहते हैं क्या? हाँ एयरफोर्स के जो डिपार्टमेंट है गोरखपुर में, एयरफोर्स नहीं वो डिपार्टमेंट नहीं है उसमें, अभी जो है वो पूरे इंडिया में जो है। अच्छा हाँ सेंट्रल लेवल का सेंटर खुल गया। ठीक है। अच्छा तो किसी भी स्कूल में गीडा हुआ? नहीं टेक्निकल है वहाँ पे, टेक्निकल वाला। हाँ टेक्निकल है गीडा में। इंग्लिश का 20 का, तब तो 70। हाँ 70 नंबर होगा मैक्सिमम मार्क 70। टोटल हो गया और 1 घंटा का टाइम जाएगा आपके पास। बहुत कम समय, 1 घंटा। अभी 1 घंटे का टाइम जाएगा आपके पास। जी जी सर। उसके लिए कम से कम आपको 70 में मतलब 40 नंबर पाना पड़ेगा आपको। अनिवार्य 40 पाएंगे तब आएंगे, क्वालिफाई में रहेंगे। 40 नंबर नहीं क्वालिफाई तो स्टार्टिंग में सर्टिफिकेट किया जाएगा। अच्छा अगर उससे पहले भी 29 नंबर गया था। अच्छा17 साल से 21 साल तक के होने चाहिए, इसके बीच में। जैसे मान लीजिए 2019 में कोई लड़का इंटर पास हुआ है, उसके लिए मतलब कंपलसरी है कि आपका मार्कशीट होना जरूरी उसके लिए। अच्छा मार्कशीट होना पास हो गया तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और दूसरा मैं बताता हूँ एयरपोर्ट के बारे में। जी बताइए सर, स्वागत है। जैसे मान लीजिए आप एयरपोर्ट ज्वाइन करिए तो ग्रुप एक अच्छा ग्रुप वाई में जी, तो मान चलिए आपको हर महीने जो है कम से कम 35,000 से 40,000 रुपये मतलब मिला आपको। अच्छा 35 से 40। अच्छा ये बताइए ट्रेनिंग होता है ना शुरू में ज्वाइन करने के पश्चात? हाँ ग्रुप से ज्वाइन कर रहे हैं। ठीक है जी, 22 से 28 महीने होगी। हाँ 2-3 साल तक जाएगा सब तो। क्या मतलब ट्रेनिंग तो 2 या 3 साल तक जाएगा, 22 से 28 महीने का मतलब? हाँ 22 से 28 महीने लगेगा आपको ट्रेनिंग करने के। जी और हमारे नॉन टेक ट्रेनिंग कर रहे हैं तो उसके लिए 1 साल होगा। 1 साल वाई ग्रुप के लिए? हाँ वाई ग्रुप के लिए। जी तो ये कह रहे हैं जो ट्रेनिंग होता है इसमें भी एग्जाम होता है क्या ट्रेनिंग के पश्चात? और आपका
जी तो पहले होता आपका देसी ट्रेन। अच्छा देसी ट्रेन क्या होता है, पूरा फिजिकल एक्सरसाइज होता है, ठीक है, फिजिकल ट्रेन होता है। अच्छा बेसिक में हाँ, तो उसमें क्या होता है कि हमारे लिए सुबह अगर 4 बजे आ जाए फिजिकल एक्सरसाइज कर लिया, करने के बाद आप 7 बजे जो है बाइक आपको बाइक मिल जाएगा, बुक मिल जाएगा, बुक तो इग्नोर हो जाता है, इंग्लिश आता है और 40 मिनट बुक करता है जी, तो बेसिक की बात नहीं है। तो आप बेसिक ट्रेनिंग कितने समय के लिए होता है? बेसिक ट्रेनिंग कितने समय के लिए होता है? बेसिक ट्रेनिंग हाँ हाँ वो 6 महीने का, शुरू का 6 महीना। अच्छा शुरू का 6 महीना बेसिक ट्रेनिंग, उसके बाद क्या की कौन सा ट्रेन मिला आपको? अच्छा बेसिक ट्रेनिंग में ही क्लियर, बेसिक ट्रेनिंग में ही क्लियर होता है क्या कि आप किस ट्रेड के लायक हैं, किस ट्रेड में जाएंगे? क्या बोल रहे हैं? बेसिक ट्रेनिंग में जो वरीयता होगा, जो फर्स्ट सेकंड थर्ड आएंगे उसके अनुसार ही ट्रेड मिलता है क्या, ये कह रहे हैं हम? नहीं नहीं होता नहीं होता ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा वैसा कुछ आप बेसिक ट्रेनिंग करना चाहेंगे, उसके बाद अपने टेक्निकल भी बहुत सारे अपग्रेड हो चुके हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स है, स्ट्रक्चर है, प्रोपल्शन है, रियर सेव है, ठीक है, इस टाइप का अपग्रेड हो गया आपको मोबाइल जाएगा। अच्छा तो इसमें आपको भी ट्रेनिंग को दिया जाएगा, उसी काम करना पड़ेगा वहाँ पे। अच्छा अच्छा बेसिक ट्रेनिंग के पास कौन सा ट्रेनिंग होता है? बेसिक ट्रेनिंग के पास ट्रेनिंग होगा, जो ट्रेन में आपको। अच्छा ट्रेन ट्रेनिंग बेसिक ट्रेनिंग खत्म होने से पहले पहले आपको बता देगा आपका ट्रेन होगा जी, जहाँ जहाँ अलग अलग और कुछ बताएंगे जो बच्चों के लिए, जो बच्चे इसमें तैयारी कर रहे हैं कोई स्पेशल उनके लिए? उनके लिए यही है कि अपना पूरा जो है सेंट्रल स्कूल का जितना पढ़ा गया है वो 9x9 पूरा प्रैक्टिस कर लेते हो। अच्छा इंटर का सिलेबस आप पूरा सिलेबस बढ़िया प्रैक्टिस कर रहे हैं, और रिसेंट का पूरा इंग्लिश का। अच्छा इंग्लिश में, इंग्लिश टू इंग्लिश? हाँ नहीं नहीं इंग्लिश में, इंग्लिश में बता रहा हूँ मैं, रिसेंट का पूरा इंग्लिश में, और जितना दिया है पहला चैप्टर दिया सिंटैक्स। अच्छा सिंटैक्स, तो सिंटैक्स क्लियर करें, और उसके बाद नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव एडवर्ब वर्ब। अच्छा नाउन प्रोनाउन पार्ट ऑफ स्पीच। हाँ डिग्री डिग्री। अच्छा हाँ डिग्री, तो ये जो है लाइन में टीच बना उनको इस प्रैक्टिस में करते हुए नाउन का लिए नाउन के जितने पांच काइंड ऑफ नाउन पढ़ा जाए तो कहाँ का यूज होता है? अच्छा काइंड ऑफ नाउन आगे तो ठीक का यूज होता है। जी जी सर बहुत इंपॉर्टेंट बात है। हाँ और प्रोनाउन प्रोनाउन के बारे में पूरा पढ़ना है कि प्रोनाउन कहाँ का यूज होता है जी, पूरा क्लियरिटी करना है, एडिटिव बारे पूरा डिटेल पढ़ना है, अब एडिटिव के कैंसिल एडिटिव सब कुछ डिटेल लाइन पे पढ़ना है और प्रैक्टिस करना उचित है। अच्छा ये कह रहा है कि ये तो सिलेबस में इंटर में पढ़ाया जाता है तो नहीं पड़ता है जो पढ़ना होता है कितना नॉलेज है, आप कितना क्षमता है, कितना अटेम्प्ट कर सकते हैं। ये कह रहे हैं और भी कोई अदर चीज देता है जैसे मैं पीसीएम हो गया, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ और इंग्लिश, अदर से भी कुछ आता है? अदर अदर कुछ नहीं आएगा। अच्छा इसी में से आएगा, इसी में आएगा, कुछ नहीं आएगा। अच्छा चलिए धन्यवाद, चलिए आपको जी जी क्या प्रीफिक्स हाँ फिक्स और सब फिक्स और प्रीफिक्स होता है ना? नहीं फिक्स प्रीपोजिशन जैसे मान लीजिए वो प्रीफिक्स में आ रहा है, प्रीपोजिशन और प्रीपोजिशन ना। अच्छा ये फिक्स प्रीपोजिशन, फिक्स प्रीपोजिशन जैसे मान एंग्री का प्रीपोजिशन क्या है, जैसे फंड के साथ आप अगर फंड आप फंड से एक्चुअल एंटी मतलब फंड ऑफ लगेगा। हां फंड ऑफ लगता है और एंग्री लगता है, ऐसे बहुत बड़ा डील भी लगता है, डील भी लगता है गेट अप, तो फिक्स क्या लिखा होता है पीछे वाला पूरा उसको याद के लिखते हैं, क्योंकि भाई तीन सौ दिया है हाँ सबको रखना पड़ेगा, उसको रखना पड़ेगा पूरा बढ़िया रखना पड़ेगा उसको, चलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप समय निकालें, हम बैठे थे जी सर भेजेंगे आपके पास और इस समय चलिए आपको जानकारी तो संपर्क बना दीजिएगा, ठीक है सर बात करेंगे किसी दिन यदि किसी रिलेटेड कुछ। ये हैं दिनेश, दिनेश यादव जी हैं और एयरफोर्स में इस समय कार्यरत हैं, डिप्टी दिल्ली में लगी हुई थी, तो इनसे हम लोग बातचीत कर रहे थे एजुकेशन पे, एजुकेशन से रिलेटेड कि किस प्रकार के प्रश्न आते हैं और कौन कौन सी बुक पढ़ा जाता है, कितने नंबर के प्रश्न होते हैं। और आप इस चैनल पे नए हैं मेरे दोस्तों तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए।